कोरोना वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है। लोगों के कामकाज से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक पर इस वायरस ने कहर बरपा रखा है। दुनिया का लगभग हर देश इस जानलेवा वायरस की जद में है। हिंदुस्तान में भी इस वायरस का खौफ है। 3 मई तक इस वजह से लॉकडाउन है। कोरोना के चलते लॉकडाउन के बीच इन दिनों पुलिस के कई चेहरे सामने आ रहे हैं। कभी पुलिस लोगों में खाना बांट रही है तो कभी अनोखे तरीके से लॉकडाउन का पालन करा रही है। कोरोना जैसे महामारी में कोरोना योद्धा ना सिर्फ मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे हैं बल्कि अपना ख्याल भी रख रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे कोटद्वार कोतवाली के इंस्पेक्टर मनोज रतूड़ी अपनी पत्नी से अपने और बेटे के बाल कटवा रहे हैं। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन के चलते देश के साथ ही उत्तराखंड के भी सभी सैलून बंद है, इसलिए अपने साथी ही सहारा बन रहे हैं। शहर में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले इंस्पेक्टर ने खुद अपनी पत्नी से अपने और बेटे के बाल कटवा कर साबित कर दिया कि कोरोना को अगर हराना है तो घर से ही पहल करनी होगी। इंस्पेक्टर रतूड़ी की इस पहल का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते इस समय पूरा देश महामारी की लपेट में आया हुआ है और जिसके कारण आवश्यक सेवाओं को छोड़ के अधिकतर सेवाएं बंद हैं। हम लोग भी सबसे ज़्यादा व्यस्त हैं, पुलिस विभाग बहुत ज़्यादा व्यस्त है। हम लोग भी इसी व्यस्तता के चलते अपने निजी कार्य नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समाज और जनता की सेवा करनी है। तो इसी दौरान क्योंकि 1-1.5 महीना हो गया है लॉकडाउन करते हुए चलते हुए, तो बाल जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, बाल ज़्यादा बढ़ गए थे। तो मैंने अपनी मिसेज से ही कहा कि आप हमारे बाल बना लीजिए, ड्यूटी में हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो हमारी मिसेज ने मेरे और मेरे बच्चे के दोनों के बाल बनवाए और किसी मित्र ने मेरे से वीडियो मांग लिया तो वीडियो वायरल हो गया। कोरोना जैसे मुश्किल वक्त में डॉक्टर के साथ सलाम है इन खाकीधारियों को भी, जो अपनी फर्ज के खातिर सड़कों पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं।